डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स की एज रिलेटेड प्रॉब्लम की एक और वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर है। हमने एनटीएस टेस्ट के लिए अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, जिसमें आपको मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस मिलेंगे। आप उनको प्रैक्टिस में लाकर अपने टेस्ट में अच्छे स्कोर हासिल कर सकते हैं। इस वक्त जो प्रॉब्लम हमारे सामने है वो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, और वो कुछ यूँ है। एज ऑफ मदर इज 13 टाइम्स द एज ऑफ हर डॉटर। माँ की उम्र अपनी बेटी की उम्र से 13 गुना ज़्यादा है। आफ्टर 4 ईयर्स मदर एज विल बी 5 टाइम्स, लेकिन 4 साल बाद माँ की उम्र 5 गुना होगी। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, इस वक्त उनकी उम्रें बता दो। ये जो पहली शर्त उसने बयान की, द एज ऑफ मदर इज 13 टाइम्स द एज ऑफ हर डॉटर, ये इस वक्त की बात हो रही है कि प्रेजेंटली सिचुएशन ये है कि माँ की उम्र अपनी बेटी की उम्र से 13 गुना ज्यादा है, और 4 साल बाद फिर ये सिचुएशन ने बदल जाना है और माँ की उम्र अपनी बेटी की उम्र से 5 गुना ज्यादा हो जाएगी, और हमसे वो माँ और बेटी दोनों की इस वक्त की उम्र मांग रहा है। इन सवालों को जब हम हल करते हैं तो इसकी जो हल करने का तरीका यह है कि आप लोग अपना स्टार्ट लिया करें छोटी एज से, और हमारे इस सिचुएशन में छोटी एज डॉटर की है और हमें मालूम भी नहीं है कि क्या है। तो हम सपोज करते हैं कि इस वक्त डॉटर की एज एक्स है, तो मैंने सपोज कर लिया लेट डॉटर प्रेजेंट एज इज एक्स ईयर्स, और सवाल क्या कह रहा है कि माँ की उम्र 13 टाइम ज़्यादा है ना, तो हम क्या कर लेंगे, जो माँ की एज है वो 13 टाइम एक्स, बेटी की उम्र है एक्स और माँ की उम्र 13 गुना ज़्यादा। 13 टाइम्स का मतलब होता है कि 13 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो उसकी एज के साथ। 4 साल बाद क्या होगा, हम इस तरह करते हैं कि इस वक्त जो बेटी की उम्र एक्स है इसमें 4 को ऐड कर लेते हैं, तो इसे बन जाएगा 4 साल बाद बेटी की उम्र इस वक्त एज में 4 साल को मैंने ऐड कर दिया, और इसी तरह 4 साल बाद माँ की जो एज है 13x उसमें भी 4 ऐड करेंगे, तो हम आफ्टर 4 इयर्स एज ऑफ मदर इज 13x प्लस 4 इयर्स। अब जो सवाल का शर्त है, सवाल की शर्त के मुताबिक वो आए और हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो कुछ यूं है। सवाल की शर्त यह है कि 13 टाइम एक्स प्लस 4, 4 साल बाद माँ की एज ये बराबर होगी जो 4 साल बाद बेटी की एज है उससे 5 गुना। तो ये एक लीनियर इक्वेशन का सवाल बना, आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 13x को मैं कुछ भी नहीं कह रहा, प्लस 4 अपनी जगह पर लिख रहा हूँ। ये 5 जो है ये x के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 4 के साथ भी, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का उसूल ये होता है कि सिंबल सिंबल के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये यहाँ पर 5 के साथ प्लस सिंबल है और x के साथ भी प्लस सिंबल है, सो प्लस मल्टीप्लाई प्लस इस प्लस, उसको हम लिखते ही नहीं है। फिर उसूल ये होता है कि हम नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये सिर्फ x नहीं है, इसके सामने 1 होता है जो कि लिखा नहीं जाता, सो 5 1 इज 5 और रह गया x, तो हम लिख लेते हैं x को। इस तरह प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज प्लस एंड 5 4 इज 20। अब हम इस तरह करते हैं कि x को एक तरफ करते हैं और नंबर्स को दूसरी तरफ, तो मैंने 13x को अपनी जगह पर छोड़ा, 5x है ये, जब इक्वेशन की इस तरफ आ जाएगा तो ये माइनस 5x बन जाएगा, और 20 अपनी जगह पर मौजूद है, प्लस 4 जब उस तरफ जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं, 13x माइनस 5x, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 8x, और 20 माइनस 4 इज 16। हमें तो x मालूम करना है, तो x को हम छोड़ देते हैं अकेले, और आपको पता है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इक्वेशन की दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 2, क्योंकि 8 1 इज 8 एंड 8 2 इज 16।
तो एक्स मैंने किसे कहा था? प्रेजेंट एज ऑफ डॉक्टर को कहा था ना, तो एक्स मैंने कहा था डॉक्टर की एज को जो मेरे पास 2 आ गई, ठीक है ना। ये हो गई डॉक्टर एज, इसको मैंने एक्स कहा था, ये 2 है। और फिर जो मदर एज है इस वक्त, वो भी हमने मालूम करनी है, इसको हमने कहा था 13x। और आपको पता है कि 13 और एक्स हमारे पास 2 है, तो ये बन गया 26। तो इस वक्त बेटी की उम्र है 2 ईयर्स और वालदा की उम्र है, मदर की उम्र है 26। और आप देख सकते हैं कि 26 2 से 13 टाइम ज्यादा है। जरा चेक करते हैं कि 4 ईयर बाद क्या होगा। मिसरा करता हूँ कि जो 2 साल डॉक्टर की ये एज है और 4 साल और उसमें जमा कर देता हूँ तो 6 साल बन जाएंगे। मतलब 4 साल बाद बेटी की उम्र 6 साल हो जाएगी। 26 साल मदर की एज इस वक्त है और 4 साल बाद इसकी एज ने हो जाना है 30 ईयर्स। अब इसका रिलेशन ज़रा देख लो। आप देख सकते हैं कि मदर की एज 4 साल बाद अपनी बेटी की एज से 5 गुना है। 6 1 is 6 and 6 5 is 30, सो 5 गुना। तो ये हमारे सवाल का आंसर कि इस वक्त डॉक्टर की एज 2 ईयर्स और मदर की एज है 26 ईयर्स। उम्मीद है कि आपको सवाल की समझ आ चुकी होगी।